देखिए आज हम बनाने वाले हैं आटे और मैदा से कचौरी। तो इस तरह से ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। आप लोग भी आप चाहें तो जो भी ले सकते हैं। मैंने तो मैदा और आटा ले लिया है। देखिए दोनों की क्वांटिटी बराबर रखी है। इसमें डालेंगे हम नमक और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। देखिए इससे क्या इसका मोयन कर देंगे। इससे क्या होता है हमारी कचौरी खस्ता बनती है बढ़िया सी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत बढ़िया बनती है। तो देखिए इस तरह से हम इसको वाइंडिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने देख लिया है मेरी अच्छी सी वाइंडिंग हो रही है। तो इसको सारा मिक्स करके अच्छे से इसमें पानी डाल के इसको एक अच्छा सा डो बना लेंगे बढ़िया सा। तो देखिए इसको मैं हल्के जितना पानी की जरूरत है थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और बढ़िया से इसको मार लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं मार रही हूँ और बढ़िया से इसको अच्छे से हल्के हाथों से हम ना नरम ना ज़्यादा टाइट हमें बिल्कुल नॉर्मल आटा लगाना है। तो इसको हम ढक के रख देते साइड। देखिए ये मैंने मूंग की दाल ली है। मेरी दाल छिलके वाली थी तो मैंने इसके छिलका हटा लिया है। थोड़ा बहुत छिलका रहे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से मैं इसको पीस लेती हूँ। फाइन पेस्ट बना लिया इसका तो हल्का मोटा दरदरा है ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरह से बना लिया है। तो ये कढ़ाई में मैंने जीरा सौंफ डाल दिए धनिया और ये लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हल्दी भी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार हींग डाल दी है मैंने। और देखिए इस तरह से इसमें 2 चम्मच डालेंगे हम बेसन। इससे क्या होता है अच्छी सी बाइंडिंग बनती है। तो आप चाहें तो बेसन को डाल भी सकते हो और चाहें तो ना डालें। मैंने बेसन को डाला है और इसमें डाल दी अपनी मूंग दाल का पेस्ट। देखिए इस तरह से इसको बढ़िया से हमें मिलाते हुए सेक लेना है। 8 से 10 मिनट में आपका ये बढ़िया सा सूखा सा पाउडर सा बन के तैयार हो जाएगा। देखिए बाइंडिंग हो जाएगी बढ़िया सा। ये मेरा बन रहा है तो इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ा चिपक जाएगा टेंशन मत नहीं लेना बढ़िया से छूट जाता है। इसको चलाते हुए पकाना है। देखिए ठंडा होने पे और भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने इस तरह से इसको पका लिया। लगभग ये मेरा हो चुका है। तो देखिए इसको हम ठंडा करके अपनी तो चलिए अपनी कचौरियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए आटे को मैं देख लेती हूँ मेरा आटा बढ़िया से नॉर्मल सा हो चुका है। तो इसको आटे को हम थोड़ा सा और मस लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी लूंगे तोड़ ली है मैंने। अब इसकी मैं बना लूँगी अपनी इसके पेड़े टाइप के बना लूँगी और उनको देखिए इस तरह से जो मैं बना रही हूँ। अब हम एक चकला बेलन में ले लेंगे बढ़िया सा और इसको बेल लेंगे। चाहे बेल ले चाहे हाथों की मदद से कर ले। मैंने इनको बेल लिया। इस तरह से इनको बंद करके बढ़िया से इस तरह से सारी कचौड़ियों को हम इसी तरह से बनाएंगे। इन पर हल्का सा बेलन भी चला दूंगी मैं। तो इससे क्या होता है ये हमारी स्टफिंग अच्छे से इसमें फ्लैट हो जाती है। देखिए इस तरह से हो गई है मेरी। और मैं दूसरी भी भर लेती हूँ। और देखिए इस तरह से मैं फिर से इसको इसी तरह से भर रही हूँ। आप देख रही ना आपको छोटी बड़ी मैंने छोटी रखी है और कुछ मैं बड़ी बनाऊँ कुछ छोटी बनाऊँ। देखो इस तरह फिर से बना ली है मैंने। इसको भी मैंने अच्छे से बना लिया है। इसको भी हम इसे हाथों से चपटा करके देखिए सारी मेरी बन चुकी हैं। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। मेरा हल्का मीडियम गर्म है। इसी तरह का तेल चाहिए हमें। ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए क्योंकि इसको खस्ता कचौरी इसी तरह से सिकती है बढ़िया से मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए लड़ते पलटते हम इनको सेकते जाएंगे। मैंने ये आटे की 2 कलर ऐसा दिख रहा है। आटा भी है इसमें। आप चाहें तो मैदा भी ले सकती हैं पूरी। मैंने थोड़ा सेहत का ख्याल रखते हुए इसमें आटा भी मिलाया है। देखिए इसको अच्छे से अलटते पलटते हम सेकेंगे बढ़िया। बहुत टेस्टी लगती है। इनमें कोई डिफरेंट नहीं लगता है। आप एक बार इस तरह से बना के देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इनको अलटते पलटते हम पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट में हमारी लगभग ये बन जाएंगी। ये कितनी अच्छी फूली है आपको कोई डिफरेंट दिख भी नहीं रहा होगा। अब तो सेकने के बाद देखिए कितना अच्छा टेस्ट दिख रहा है बढ़िया सा। देखिए बढ़िया सी मेरी बन चुकी है। देखिए इस तरह से मैंने इनको बना लिया है। बहुत अच्छी बनी है। दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। दूसरे बैच को भी मैं इसी तरह सेक लूँ। दूसरी बैच के लिए मैंने कढ़ाई की फ्लेम को बंद कर दिया था क्योंकि बहुत गर्म थी। इसलिए मैंने बंद करके फिर इसमें डाला है। देखिए मेरी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी बहुत टेस्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।